कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से आजकल काफी दुनिया परेशान है। कब्ज अपने आप में तो एक बीमारी है ही, साथ ही साथ ये अन्य बीमारियों को भी जन्म देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 24-24 घंटे एक एक दिन तक पेट साफ नहीं होता, और बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका दो दो दिनों तक भी पेट साफ नहीं होता। तो इसी संपर्क में, इसी संबंध में हम आज मंजू गुप्ता जी से कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर एक सेशन करेंगे और जानेंगे कि कब्ज क्यों होती है और इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि कब्ज होती क्यों है। दोस्तों, कब्ज होने के 5-6 कारण होते हैं। उनमें से एक कारण जो है, सबसे मेन कारण है, वो ये है कि जठराग्नि का मंद पड़ जाना, और बाकी भी खैर मेन ही है, जैसे कि आंतों में मल का जमा हो जाना, या फिर किसी किसी लोगों की कफ प्रवृत्ति होती है, तो उन लोगों में कफ भी आंतों में जमा हो जाता है, उनकी भी टेंडेंसी रहती है आंतों में कफ जमा हो जाने की। या फिर रॉन्ग लाइफस्टाइल, लैक ऑफ मूवमेंट, जो सारा सारा दिन लोग बैठे रहते हैं, वो भी कब्ज पैदा करती है। या फिर किसी किसी की शरीर में स्नेहन की कमी होती है, लैक ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स हम कह सकते हैं, उसकी वजह से भी कब्ज होती है। या फिर किसी किसी का चंद्र स्वर बहुत ज्यादा चलता है, लेफ्ट मोस्टर्न, तो ये सब कारण है जिनकी वजह से कब्ज हमको होती है। तो जैसा कि आपने हमें 5-6 कारण बताए कि क्यों क्यों हमें कब्ज होती है, तो अब इन 5-6 कारणों में से हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से कारण की वजह से हमें कब्ज हो रही है। ये इतने सारे कारण मैंने आपको 5-6 बताए, इनको हमें अपनी बॉडी में, अपने शरीर को, हमें कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है, खुद हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। या तो हम ऑब्जर्व करके जान सकते हैं कि हमारे कब्ज होने का कारण क्या है, या फिर हमें कोई आयुर्वेद एक्सपर्ट या फिर कोई योग एक्सपर्ट हमें बता सकता है कि हमारे कब्ज का असली कारण क्या है। तो अब हमने इतने सारे कारण जाने कब्ज क्यों होती है, तो अब कब्ज होती भी अलग अलग तरीके की होगी, तो इन सबको ठीक करने का तरीका एक है या अलग अलग तरीके हैं इसके। देखिए, कब्ज अगर कई तरह की है, जैसे मैंने बताया कई अलग अलग कारण है, तो कुछ केसेस में तो नुस्खे तरीके हमारे ऐसे हैं जो हर तरह की कब्ज पर काम करेंगे ही करेंगे, बट कुछ तरीके ऐसे हैं जो हर कब्ज में काम नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है कि कब्ज कैसी है, उसके हिसाब से ही हमको उसका ट्रीटमेंट देना होगा। मान लीजिए जठराग्नि मंद पड़ने से हमको कब्ज हुई है, तो ऐसे केसेस में हमको गर्म चीजों का सेवन करना पड़ेगा, अजवाइन है, सौंठ है, दालचीनी वगैरह है, तो उससे हमको गर्म चीजें खाने से हमारी कब्ज दूर हो जाएगी। लेकिन अगर गृष्ट भोजन खाने की वजह से किसी को कब्ज है, ऐसे में उसकी आंतों में ड्राइनेस आ जाती है, और आंतों में ड्राइनेस आने की वजह से अगर ऐसे केस में अगर हम उसको गर्म चीजें दे के उसकी कब्ज ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो वो कब्ज और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ केसेस में कॉमन रहता है इलाज जो हर कब्ज पे अप्लाई होगा, लेकिन कुछ केसेस में अलग अलग इलाज हमको देना पड़ता है। तो अब हमने इतने सारे कारण जाने, तो अब इनमें से एक एक कारण को लेकर उस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अब अगर हमारी हमें कब्ज इसलिए हो रही है क्योंकि जठराग्नि मंद पड़ चुकी है, तो इसको कैसे इलाज करें इस कब्ज का। जठराग्नि, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डाइजेस्टिव फायर को हमें बढ़ाने के लिए कुछ एक तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका तो ये है कि कुछ लोग मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं अपने खाने में, या फिर बहुत कम खाते हैं, तो ऐसे लोगों को कब्ज देखेंगे कि होती हुई मिलेगी, क्योंकि जठराग्नि मंद पड़ जाती है मीठा बहुत कम सेवन करने से। तो ऐसे लोगों को अपने खाने से पहले या फिर खाने के दौरान, मतलब अपने रूटीन में थोड़ा मीठे को हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जैसे हवन में भी हम जब मीठा डालते हैं तो अग्नि भड़कती है, और वो हवन में मीठा हम जरूर डालते हैं आप देखेंगे तो ऐसे ही हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, वो भी अगर हम मीठा खाएंगे तो वो एक्टिव रहेंगे, वो आंतों को गर्मी प्रोवाइड करेगा। और दूसरा का है, जो हम डाइजेस्टिव फायर को अपनी मेंटेन रख सकते हैं, एक ही समय पर खाना खाएं, क्योंकि एक ही समय पर, मान लीजिए आपका 1 बजे का टाइम है, 1 ही बजे आप रोज खाना खाएंगे, तो उस टाइम डाइजेस्टिव फायर हमारी बर्न होगी, उसको पता है कि अब खाना आएगा और मुझे पूरा एक्टिव रहना है, पूरा बर्न होना है, तो एक समय खाने का जरूर बनाएं। और डाइजेस्टिव फायर के लिए जो हमारी एक्टिव रहे, एक चीज का और ध्यान रखना होगा, खाने के साथ हमें पानी नहीं पीना है, और खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना है, तो पानी का हमें ध्यान रखना होगा कि खाने से आधा घंटा पहले या फिर 1 घंटे बाद हमें पानी पीना है। और डाइजेस्टिव फायर एक्टिव करने का
हमारे व्यायाम से भी बहुत फर्क पड़ता है, आंसुओं से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी की डाइजेस्टिव फायर कम है, जठराग्नि मंद पड़ चुकी है, तो उसे व्यायाम को और आसनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। तो इस केस में हमें ऐसी कौन सी गर्म चीजें हम खा सकते हैं जिससे वापस हमारी जठराग्नि एक्टिव हो जाए? ऐसी गर्म चीजों में आता है जैसे कि अजवाइन की छुआनी होती है जो जच्चा को भी दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन कब्ज ना हो, और सौंठ का सेवन, अदरक का सेवन, दालचीनी का सेवन, ऐसी गर्म चीजों और साथ साथ हमें ठंडी चीजों को भी अवॉइड करना होगा, जैसे कि चावल है, पोहा है, केला है, इस तरह की ठंडी चीजें अवॉइड करनी होगी ताकि हमारी जठराग्नि हमारी एक्टिव रहे। और जठराग्नि जब एक्टिव होगी तो साथ के साथ जो मैंने एक और कारण पे चर्चा की थी कि कफ जमा होने से भी हमारे अंदर कब्ज हो जाती है, तो ये गर्म चीजें खाने से जो कफ का जो कारण है उसको भी ये कवर करेगी, क्योंकि कफ से ही हमारा मल बंद जाता है और वो फिर टाइट होने लगता है। तो इसीलिए हमें गर्म चीजें खाने से जठराग्नि तो एक्टिव होगी ही होगी, जो हमारा जो कफ की वजह से है वो भी हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो खाने के साथ पानी पीने से वाकई में कब्ज हो जाती है क्या? हाँ हाँ, क्योंकि पानी पीने से मैंने बताया ना कि जठराग्नि मंद पड़ जाती है। अच्छा। और उसी की वजह से ही हमको कब्ज हो जाती है, और पानी पीने से जठराग्नि तो मंद पड़ती ही पड़ती है, उसके और भी बहुत सारे नुकसान है। इससे हमारे अंदर जो पित्त होती है वो भी इम्बेलेंस हो जाती है, और दूसरा इससे एसिडिटी भी क्रिएट होती है पानी पीने से। तो इसलिए पानी तो हमें नहीं पीना चाहिए इस खाने के साथ और खाने के तुरंत बाद, उससे पेट से संबंधित बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब हम कब्ज के कारणों पर चर्चा कर रहे थे तो आपने एक ये बताया था कि चंद्र स्वर चलने से भी कब्ज होती है, तो ये चंद्र स्वर क्या है बेसिकली? ये जो हमारा राइट नोस्ट्रिल होता है ये हमारा, इससे सूर्य स्वर चलता है, और जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है इससे हमारा चंद्र स्वर चलता है। तो जिन लोगों में कब्ज है अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे उनका लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी कि चंद्र स्वर ज्यादा चलता हुआ मिलेगा। उससे क्या होता है, कफ हमारे अंदर पैदा होने लगता है लेफ्ट नोस्ट्रिल चलने से, तो वही कफ जो है वो मल को जमा देता है, ठंडक कूलनेस बॉडी में प्रोवाइड करता है चंद्र स्वर। जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रमा ठंडा होता है, शीतल होता है, सूर्य गर्म होता है, तो वो ठंडक और शीतलता की वजह से ही हमारे अंदर कफ जमने लगता है और फिर वो कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेता है मन। तो जो हमें कब्ज चंद्र स्वर चलने की वजह से हो रही है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? इसका एक सीधा सा फंडा है कि चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, हमें सूर्य स्वर चलाने की ज्यादा जरूरत है। तो सूर्य स्वर चलाएंगे तो हमारा ये कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके लिए हमें कुछ तरीके जो है ये है कि एक तो व्यायाम, प्राणायाम, प्राणायाम कुछ होते हैं जैसे सूर्य भेदी प्राणायाम है और भी भस्त्रिका प्राणायाम है, उनसे हम अपनी सूर्य नाड़ी को, सूर्य स्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, हम लेफ्ट करवट लेट कर भी अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर कुछ गर्म चीजें खाकर जैसे कि जैसे मैंने बताया सौंठ, दालचीनी, अजवाइन और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, या फिर जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें भी जो गर्म चीजें होती हैं वो गर्म चीजें खाकर हम अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके ओके, तो इस वाली वीडियो में हमने जाना कि किन किन कारणों की वजह से हमें कब्ज होती है, और इनमें से हमने दो तीन कारणों के बारे में चर्चा करी कि उनको कैसे सही कर सकते हैं और कैसे फिगर आउट करें कि उस कारण की वजह से हमें कब्ज हो रही है। अब अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि जैसे कहते हैं कि कब्ज में पपीता खाना चाहिए, और एक हेल्दी इंसान को कैसे कब्ज दूर रख सकता है वो इंसान, या फिर जिसको कब्ज हो चुकी है वो क्या क्या करे आगे, तो इस सब के बारे में हम लोग सेकेंड पार्ट में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आज हमारे साथ मंजू गुप्ता जी हैं। रुक, टू रु रु लास्ट में काम करते ब्लूपर्स डाल देंगे, ऐसे मजा आएंगे। यस।